ये हमारी बैग है कनाडा के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी अहमदाबाद से लेकर मॉन्ट्रियल तक की सफ़र और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है इस सफ़र के वक्त। ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। ये हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो हमें सी ऑफ करने के लिए हमारे घर पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से स्टेटस पर मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं कनाडा पीआर के तौर पर जा रहा हूँ। मैंने कनाडा पीआर की फाइल 2012 में क्यूबेक सिलेक्टेड स्किल वर्कर कैटेगरी के अंदर फाइल की थी। फिर 2015 में मुझे फ्रेंचाइजेशन लेटर इश्यू हुआ था, जो पॉइंट कम होने की वजह से था। फिर मैंने फ्रेंच में B2 लेवल के सर्टिफिकेट सबमिट किए। उसके बाद मुझे अक्टूबर 2016 में CSQ इश्यू हुआ। फिर आया फेडरल प्रोसेसिंग का फेज। मैंने फेब्रुआरी 2017 में फेडरल की फाइल सबमिट की थी। उसके बाद सितंबर 2017 में मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ था, मगर कुछ अननोन रीज़न के कारण सभी फाइलें लेट चल रही थी और हम सबका रीमेडिकल अक्टूबर 2018 में फिर से हुआ। और फिर दिसंबर 2018 में मेरा PPR लेटर इश्यू हुआ और आज 2 फरवरी को 2019 में हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। तो कुल मिला के कैनेडियन PR का स्टेटस पाने के लिए मुझे 6 साल लग गए। उस दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आती रहती थी और वो सब फुलफिल करके आज मेरा कनाडा जाने का सपना सच हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने कनाडा PR के लिए अप्लाई किया है तो धैर्य रखें, क्योंकि ये प्रोसेस समय लेता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर लीगल वे में आप कनाडा जाना चाहते हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पेशेंस और पैशन। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो बैक डिस्क्रिप्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो आप एक बार देख ले। बैक पैकिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें शेयर की हुई है। आपके ट्रैवल रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें, जैसे कि पासपोर्ट, एयर टिकट, COPR लेटर, CSQ वगैरह वगैरह। अगर आपकी दवाइयाँ चालू है तो मेडिसिन और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अपने साथ अपने हैंड बैगेज में रख लें। तो लो, अब हम आ गए हैं हमारे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ एयरपोर्ट पर भी हमारे करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव हमें सी ऑफ करने के लिए आए हैं। ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिपार्चर सेक्शन है, जहाँ से हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और बैग चेक इन की वेट कर रहे हैं। हमने हमारी बैग को रैपिंग रोल से रैप की हुई है ताकि सफर के वक्त बैग को कोई नुकसान न हो। ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वेटिंग लॉन्ज है। दूसरे एयरपोर्ट के कंपैरिजन में एक कुछ खास नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले डोमेस्टिक एयरपोर्ट का वेटिंग लॉन्ज काफ़ी अच्छा है। अभी ये एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो आशा रखते हैं कुछ सालों बाद अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिल्ली और मुंबई जैसा हो जाए। यहाँ पर आराम करने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से हम लंदन की फ़्लाइट लेंगे और फिर बाद में लंदन से मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट लेंगे। दिल्ली से लंदन और लंदन से मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज की है और अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट हमारी एयर इंडिया की है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, फ्लाइट ऐसी बुक करें कि आपकी चेक इन बैग आप यहीं चेक इन करें और आपको लास्ट डेस्टिनेशन पे मिले। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा बैगें थी और
फ्लाइट भी लेट हो गई थी, इसलिए हमारा चेक इन थ्रू नहीं हो पाया और अब हमें दिल्ली फिर से चेक इन बैग कलेक्ट करके उसको वापस से रीचेक इन करवाना पड़ेगा। एयर इंडिया का ब्रिटिश एयरवेज के साथ टाई अप नहीं था, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आप जब भी आपकी टिकट बुक करें तो ये पॉइंट को कंसीडर करें। अब हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया है और अब हम फ्लाइट में चेक इन कर रहे हैं। बोर्डिंग पास, पासपोर्ट और एयर टिकट हमेशा आप अपने साथ रखें, हर जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने ऑनलाइन चेक इन की थी और फिजिकल पास हमने एयरपोर्ट से पिकअप किए थे। ऑनलाइन चेक इन आप 24 घंटे पहले कर सकते हो, तो ये बात का आप ध्यान रखें और ज़रूर से करें। हमारे बोर्डिंग पास मॉन्ट्रियल तक के इश्यू हो गए थे और लंदन और मॉन्ट्रियल के बोर्डिंग पास हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज के काउंटर पर से मिल गए थे। अब हम हमारे प्लेन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, एयर इंडिया की फ्लाइट में हमें वीडियो लेने से मना किया गया था, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं ली है। वीडियो लेने से पहले आप अथॉरिटी से एक बार पूछ लें। और अब हम प्लेन में आ गए हैं और अपनी अपनी सीटें ले ली है। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में आ गए हैं और लंदन की फ्लाइट की वेट कर रहे हैं। हम तीन फैमिली साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे साथ अश्विन भाई और भद्रेश भाई की भी फैमिली है। हमारी अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पास 3.5 घंटे का कनेक्टिंग फ्लाइट का टाइम था, जो सिर्फ 1.5 घंटे का रह गया था। और उस वक्त 1.5 घंटे में हमें हमारा इमिग्रेशन, हमारी सारी बैग को कलेक्ट करके उसका फिर से रीचेक इन और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी कंप्लीट करना था। और उस वक्त उतनी भगदड़ हुई है कि उस वक्त की वीडियो लेने का समय नहीं मिला है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इमिग्रेशन काउंटर में बहुत ही बड़ी लाइन थी, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते, मगर हमारी प्रायोरिटी को देखते हुए दिल्ली में एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारी मदद की और हमारा इमिग्रेशन जल्दी कर दिया। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में भी हमें ब्रिटिश एयरवेज के स्टाफ ने बहुत सारी मदद की, जिससे हम 1.5 घंटे में सारी प्रोसेस कम्प्लीट कर सके। हमें फिर बाद में पता चला कि हमारी वजह से हमारी ब्रिटिश एयरवेज की दिल्ली लंदन वाली फ्लाइट 15 मिनट लेट हो गई थी। हमारा वेब चेक इन हो गया था, इसलिए ब्रिटिश एयरवेज ने हमें एंड तक सपोर्ट किया। अगर हम वेब चेक इन ना करते तो ये फ्लाइट भी हम मिस कर देते। तो दोस्तों, आपकी जर्नी से पहले वेब चेक इन करना न भूलें। अब हमारी लंदन जाने वाली फ्लाइट का समय हो गया है और हम सब प्लेन की ओर जा रहे हैं। थोड़ी भागदौड़ी के बाद अब सब फ्रेश हो गए हैं। अभी रात के 3:30 बजे है, मगर सब कनाडा जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और सभी लोग फ्रेश दिख रहे हैं। हमारी फ्लाइट लेट होने की वजह से ब्रिटिश एयरवेज ने हमें हमारी सारी बैग को चेक इन करने का ऑप्शन दिया था, हमारे केबिन बैग भी। सो हमने हमारे 1-2 केबिन बैग को अपने साथ रख के सारे केबिन बैग चेक इन करवा दिए, इसलिए अब हमारे पास बहुत ही कम केबिन बैग है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें बैग को लेकर यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। सारी बैग हमें मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। हमारी कोई भी बैग ओवरवेट नहीं थी, मगर केबिन बैग ओवरवेट थी, पर ब्रिटिश एयरवेज ने उसको भी एलो कर दिया। सो वेट के रिलेटेड हमें कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी और सब बैग चेक इन होने से हम काफ़ी हद तक फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत सुंदर था, पर मुझे वहाँ पे वीडियो शूट करने का ज़्यादा समय नहीं मिला, इसलिए मैं आपको दिल्ली का एयरपोर्ट नहीं बता पाया। ब्रिटिश एयरवेज में मैंने वीडियो शूट के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी वीडियो शूट करने की, तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो और फोटो शूट करना चाहते हो तो एक बार परमिशन जरूर ले लें। ब्रिटिश एयरवेज के सारे क्रू मेंबर काफ़ी सपोर्टिव थे
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प करते थे। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उनको पूछे, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो अब हम फ्लाइट में आ गए हैं और ये है ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट और उसकी अंदर की कैबिन। अब हमारी लंदन वाली फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। दिल्ली में फॉग ज्यादा होने की वजह से बाहर का विजन क्लियर नहीं आ रहा है। अभी रात के 4:15 हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में हार्ड ड्रिंक सेलो होता है, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो आप फ्लाइट में ले सकते हो और फ्री भी है। सो जस्ट आस्क क्रू मेंबर इफ यू वांट। ये है दिन और रात दोनों का कंबाइन इफेक्ट। धरती के एक पार्ट पर अभी दिन है और एक पार्ट पर अभी रात। यहाँ से वो मंजर देखने को मिलता है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो आपको इस टाइम देखने को मिलता है। अब हम लंदन एयरपोर्ट पर आ गए हैं। लंदन एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। ये एक इंडिया के छोटे से शहर जितना बड़ा है। हम टर्मिनल 5C पर लैंड हुए थे, मगर उसमें भी हमें टर्मिनल 5C से 5A में जाने के लिए मेट्रो करनी पड़ी। अब हम हमारा सिक्योरिटी चेक इन और स्क्रीनिंग सब कंप्लीट करके टर्मिनल 5 के मेन बिल्डिंग में आ गए हैं। यहाँ पे हमारा 9 घंटे का होल्ड है, तो अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। लंदन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मींस हीथ्रो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पर हर एक मिनट में एक फ्लाइट लैंड और डिपार्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। इस एयरपोर्ट पर आपको दुनिया के सब देश के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारा 9 घंटे का होल्ड है, सो हम यहाँ पर आराम से रेस्ट करके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे समय कब बीतने वाला है वो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने और जानने को मिलेगी। लंदन का सिक्योरिटी स्क्रीनिंग बहुत ही टाइट है, तो आप बैकपैक के वक्त ध्यान रखें कि आपकी बैग में कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम न हो, कोई भी लिक्विड एलॉन नहीं है। सो अगर आप पानी की बोतल भी साथ में ले गए हो तो उसे भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से पहले खाली करके बैग में रखें। अगर आपका शेड्यूल टाइट हो और आपको सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो सकती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। लंदन एयरपोर्ट पर वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का ड्यूटी फ्री मॉल भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें आप कोई भी आइटम परचेस कर सकते हो। उस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगता। अपने साथ आप मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी जरूर रखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो आप मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड से खरीद सकते हो। फॉर मोर इन्फो रिलेटेड टू मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड वॉच माई वीडियो ऑन मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड।
लंदन के एयरपोर्ट पर वेज फूड के काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है, मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको वेज फूड नहीं मिलेगा। वेज फूड में भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है जो आप यहाँ पर ले सकते हो। अभी मैं प्रेता मोंजे के स्टोर पर हूँ और यहाँ पर वेज फूड मिलता है और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। अगर आप अपने कैबिन बैग में कुछ फूड पैकेट रखे हो तो आप उसे भी भूख लगने पर खा सकते हो। दिल्ली से लंदन की जर्नी ऑलमोस्ट 9 घंटे की होती है, सो आपको यहाँ पर खाने की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह का नाश्ता दिल्ली में, दोपहर का खाना लंदन में और रात का खाना मॉन्ट्रियल में। बॉर्डर फिल्म का डायलॉग याद आ गया। अब हम लंदन से मॉन्ट्रियल जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए हैं और अब हमारी जर्नी टूवर्ड फाइनल डेस्टिनेशन स्टार्ट हो रही है। तब तक आप कुछ नज़ारे का आनंद लीजिए वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट हीथरो के। अब हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है और ये अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जाएगी कनाडा की ओर। अगर आपको फ्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्रू मेंबर्स को पूछे। मेरी डॉटर को हल्का सा बुखार था तो मैंने क्रू मेंबर से बात की तो उनके पास मेडिसिन अवेलेबल थी तो उन्होंने उस वक्त मुझे वो मेडिसिन दे दी जिससे थोड़े ही घंटों में बुखार उतर गया। तो कहना ये है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार क्रू मेंबर को पूछ लें। अब हमारा प्लेन कनाडा में एंटर हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हो हमने क्यूबेक सिटी को क्रॉस कर लिया है और 20 मिनट में हमारी फ्लाइट मॉन्ट्रियल में लैंड करेगी। फ्लाइट में कोई फॉर्म भरने के नहीं होते हैं। हमने बहुत सारी बातें सुनी थी, फ्लाइट में डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपको एयरपोर्ट पर देना पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने साथ आप जो चीज़ लेके आ रहे हो उसका हरेक का बैग वाइज एक लिस्ट बना के उसकी 2 कॉपी अपने पास रखें और आप जो भी कैश और कार्ड मीन्स जो भी मनी आप कैरी कर रहे हैं उसका बिल और उसकी डिटेल अपने पास रखें, वो आपको इमिग्रेशन के वक्त काम में आएंगे। कभी कभी ये सब चीज़ें वो मांगते हैं, डिपेंड ऑन योर लक्स। हमसे कुछ नहीं मांगा था मगर मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ है उनसे मांगा था, तो वो अपने आपके खुद के लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें लक के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी मांगते हैं कभी कभी नहीं मांगते हैं। अब हम मॉन्ट्रियल पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है कनाडा में। ये है मॉन्ट्रियल का रात का नज़ारा, अभी शाम के 7:30 के आसपास हुआ है। विंटर में मॉन्ट्रियल में शाम को 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। अब हम लैंड हो गए हैं मॉन्ट्रियल। वेलकम टू कनाडा। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद की प्रोसेस काफ़ी आसान है। लैंड होने के बाद हम सब लोग आराम से रेस्ट रूम में जाकर फ्रेश होकर अब हम जा रहे हैं ऑनलाइन पीएफ की ओर। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क की ओर डायरेक्ट करते हैं और
वो कियोस्क में आपको आपका पासपोर्ट स्कैन करके आपकी बैग्स और आपके साथ आप जो अमाउंट कैरी कर रहे हो उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कियोस्क में जिस तरह से वो आपसे पूछे आप उस तरह से उसको करते जाओ। फिर वो आपकी एक फ़ोटो लेगा और एक रिसिप्ट प्रिंट होकर बाहर आएगी। उस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है। अगर आपकी पूरी फैमिली आपके साथ ट्रैवल कर रही हो तो कोई भी एक कियोस्क पर जाके कोई एक ही आदमी सब इंफॉर्मेशन फिल करे और सबके पासपोर्ट स्कैन करे और जब वो फोटो के लिए पूछे तो नाम वाइज एक एक होकर कियोस्क के आगे खड़े रहे, वो आपकी फ़ोटो ले लेगा। कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब काम आराम से करें। ये जो नीचे आप देख रहे हो वो ऑनलाइन कियोस्क ही है और बहुत सारे हैं, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करनी पड़ती। उसके बाद वो रिसिप्ट लेकर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के काउंटर पर जाना होता है और वहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपको आपके रिस्पेक्टेड इमिग्रेशन काउंटर पर जाने की इंफॉर्मेशन देता है। इमिग्रेशन का सेक्शन अलग से बना हुआ है, वहाँ जाकर पहले आप अपना टोकन ले लें और वेटिंग रूम में वेट करें। आपका नंबर आने पर वो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपको बुलाएगा। वहाँ पे वो आपसे आपका COPR लेटर मांगेंगे और फिर वो आपको कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे। फैमिली में से कोई भी एक मेंबर वहाँ पे जाए और बाकी लोग आराम से बैठे और जो जाए वो सारे क्वेश्चन के बराबर जवाब दे। जनरली वो लोग जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे कि आपके पास कितनी कैश है, आप कोई सामान पीछे ला रहे हो, आप कहाँ पर रहने वाले हो, आपका एड्रेस क्या है, आपके सामान की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है, मीन्स आपकी बैग का पूरा डिक्लेरेशन अप्रोक्सीमेटली आप उनको दे दो, वगैरह वगैरह। आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए जो आप उसे दे सको, क्योंकि उसी एड्रेस पर वो आपका PR कार्ड सेंड करेंगे। अगर आपके पास कोई एड्रेस न हो तो आप कोई भी फ्रेंड का एड्रेस आप उसको दे दो और वो एड्रेस आप बाद में भी ऑनलाइन जाकर चेंज कर सकते हो 7 दिन के बाद। अगर एड्रेस बिल्कुल ही न हो तो उनको बोल दो कि मैं बाद में ऑनलाइन जाकर एड्रेस अपडेट कर दूंगा। फिर वो लोग आपको कुछ देर तक बैठने को बोलेंगे और आपकी सारी एंट्री कंप्यूटर में ख़त्म करने के बाद आप सबको बुलाकर COPR लेटर में आपकी साइन लेंगे और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे और एक कॉपी वो साइन करने के बाद आपको देंगे, जिसे हमें पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखना होता है। बच्चों की साइन पेरेंट को करनी होती है। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन करके देंगे जो उन्होंने हमें जो सवाल पूछे और हमने जो आंसर दिए उसके आधारित होगा, उसे भी हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। फिर वहां से वो हमें क्यूबेक के काउंटर पर भेजेंगे और वहां पर वो हमारा CSQ देखने को बोलेंगे। उसके बाद वो हमें सब इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि घर कैसे ढूँढे, जॉब कैसे ढूँढे, बच्चों का एडमिशन स्कूल में कैसे कराए, कहाँ पर आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, वगैरह वगैरह। हम जब ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके कन्वेयर बेल्ट के पास आए तो हमारी सारी बैग नीचे रखी हुई थी और हम वो लेकर बाहर निकलने के गेट की ओर निकल पड़े। वहाँ बाहर निकलने के गेट पर एक ऑफिसर लास्ट में आपसे वो डिक्लेरेशन रिसिप्ट मांगेगा जो आपने कियोस्क में से ली थी, वो आपको यहाँ पे देनी होती है, तभी आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो। हमें लेने के लिए हमारे दो मित्र परेश और अरुण आए थे। अगर आपके कोई भी मित्र आपको लेने आ रहे हो तो उन्हें 2 घंटे बाद बुलाएं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस खत्म होने में 2 से 2.5 घंटे का समय आराम से लग जाता है। एयरपोर्ट पर टैक्सी की सर्विस अवेलेबल है तो हमने उसका ही यूज़ किया। मेरा घर पहले से रेडी था तो हम सीधे ही वो एड्रेस पे चल पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें और कनाडा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।